गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शारदा होम्योपैथी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाइल्स और फिशर्स। तो ये प्रॉब्लम क्या है और इसके क्या क्या उपाय होम्योपैथी के अंदर अवेलेबल है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, पाइल्स और फिशर्स यूजुअली साथ साथ में पाए जाते हैं या कभी कभी अलग अलग भी पाए जाते हैं। तो पाइल्स के अंदर जो होता है एनल रीजन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और जो वेंस होती है एनल रीजन की, तो उसके अंदर भी स्वेलिंग होकर उसके अंदर गांठें बन जाती है और वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है। फिशर्स के अंदर एनल रीजन के आसपास या अंदर कट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम रहती है। तो इन दोनों का कारण क्या होता है? तो यूजुअली कॉन्स्टिपेशन, यह एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पेट साफ न होना। यह जब यदि आपको काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आगे पाइल्स और फिशर्स की प्रॉब्लम लगभग हो ही जाती है। तो कोशिश करिए कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको तुरंत ही ठीक कर ले और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले लें। उसके बाद में आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, काफ़ी बार लोग बाहर रहते हैं, बाहर खाते हैं, तो यह जो ऑयली स्पाइसी फूड और ब्रेड्स जो होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, तो इसके अंदर काफ़ी फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फाइबर्स काफ़ी लो हो जाते हैं, तो उससे भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाती है और फिर कॉन्स्टिपेशन के पास में वह बढ़ने लगती है और प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, और तीसरी प्रॉब्लम ऐसी होती है इसके साथ में कि कभी कभी वहाँ से खून भी निकलने लग जाता है। यदि पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेन करता है तो वहाँ से खून निकलने लग जाता है। पेनफुल तो ये होता ही है, काफ़ी बार पेशेंट्स को मोशन पास करने से भी डर लगता है। वो मोशन पास करते वक्त इतना पेन होता है कि वह बेयर नहीं कर सकता और उसके बाद में भी इवन आफ्टर पासिंग मोशन अल्सो पेन उसको लगातार कुछ देर तक रह सकता है। बैठने में पेशेंट्स को तकलीफ होती है, वो स्टैंडिंग में ही कुछ देर अपना बिताना चाहते हैं। तो इसके लिए जो ये पेन है तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, पेन अचानक से स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो लोग एलोपैथी की तरफ भागने लगते हैं कि कुछ ना कुछ उनको तुरंत उपाय मिल जाए या कहीं ठीक हो जाए, और उसी गड़बड़ के अंदर काफ़ी बार लोग अपना ऑपरेशन भी करा लेते हैं। मेरे पास पेशेंट्स काफ़ी आते हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशन करा चुके हैं, जिसका ऑपरेशन हो चुका है तो 6 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में, और ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के बाद में से यह प्रॉब्लम दोबारा होने लगती है, क्योंकि आपका तो जस्ट वो जो प्रॉब्लम है, पोर्शन जहाँ पर है वही उन्होंने ठीक किया है, लेकिन आपकी जो अंदर की टेंडेंसी है, जो पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन की जो टेंडेंसी है, तो उसको उन्होंने छुआ नहीं है। तो होम्योपैथी वहीं पर ही काम करती है। होम्योपैथी अंदर की सिस्टम जो है, पाइल्स बनने की जो टेंडेंसी है वहाँ पर काम करती है। वहाँ की जो वेंस बढ़ती है, जो फिशर्स आते हैं, कट आते हैं, उनको अंदर से हीलिंग करती है ताकि यह दोबारा ना हो और परमानेंटली जगह आपकी ठीक हो जाए, आपका डाइजेशन ठीक हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन यह पाइल्स और फिशर से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। डाइट का जैसे मैंने बताया, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रोज़ अपने डाइट में होने चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, कुछ प्राणायाम होते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कपाल भाती करिए, जिससे आपका जो एब्डोमिनल रीजन, उसके मसल्स अच्छे से रिलैक्स होते हैं, डाइजेशन अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी घर की बातें हैं, हम इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। अच्छे पानी भी पीना, जितना आपको आप भूल जाते हैं काम के अंदर, तो टाइमर लगा के रखिए, पानी लगातार बीच बीच में पीते रहिए। और दूसरी बात, प्रॉपर रेस्ट भी होनी चाहिए। यदि आपकी शिफ्ट नाइट ड्यूटी है या कभी मॉर्निंग है, बहुत इरेगुलरिटी हो रही है, तो भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका भी ख्याल करें कि डाइजेशन आपका सही रहे। और एक यदि आपको प्रॉब्लम हो चुकी है तो एक सिट्स बात, जैसे आप एक टब के अंदर गर्म पानी ले लें, जितना आपको आप सह सके,
तो उसके अंदर आपको कुछ सेवलॉन की बूंदे वगैरह या इवन प्लेन गर्म पानी में भी आप कुछ 10-15 मिनट तक बैठकर जो आपकी पेन है या यू नो फिशर्स या पाइल्स, उससे इसको काफ़ी आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ घर के उपाय हो गए। अभी मैं आपको होम्योपैथी में मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं तो उसको मैं क्या देती हूँ वो बताऊँगी। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, कोशिश करिए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, लेकिन यह भी इनका असर भी बहुत क्विकली पेशेंट को रिलीफ देता है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये एस्क्यूलस हिपोकैस्टेनम ये मेडिसिन है, बहुत ही रामबाण उपाय करती है पेशेंट्स पर। यदि आप ये 200 पावर की मैं बहुत यूज़ करती हूँ, 200 पावर यदि आप दो बूंद दिन में 2-3 बार लेते हो कुछ हफ्तों तक, तो आपकी जो पेन है नीचे की वह बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ में या पाइल्स और फिशर्स के साथ में एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो पल्सेटीला आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती है। यदि पहले से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और आपका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा है तो फ्रेंड्स, ये नक्सोमिका आपकी दवाई होगी। डोसेस वही होते हैं, 2-2 बूंद्स 2-3 टाइम्स अ डे फॉर फ्यू डेज टिल द टाइम यू फील बेटर। ये एक रेटानिया है, फिशर्स के लिए बहुत ही कारगर दवाई है। इसके साथ में नाइट्रिक एसिड 6 भी दे सकते हैं, तो इससे आपके जो फिशर्स है या कट्स है वह बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि मोशंस पास करने के बाद में वहाँ पर मिर्ची जैसा पेन है तो ये कैप्सिकम ही मिर्च से ही बनती है। सब होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल मेडिसिन से ही बनती है और वहीं आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ाती है, आपकी शरीर की पावर बढ़ाती है, ताकि आपको यह प्रॉब्लम दोबारा ना आए, और वह भी 0 साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो कैप्सिकम इज़ अगेन द बेस्ट मेडिसिन। आपको इसके साथ में गैसेस भी हैं तो कार्बोवेज आप ले सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैंने कुछ जो कॉमन दवाइयाँ हैं वो आपको आपसे शेयर की है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी दवाइयाँ लीजिए और स्वस्थ रहिए। यदि आप मेरा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर शारदा होम्योपैथी सेंटर को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाइए। मेरी वेबसाइट www.drshardahomeopathy.com पर विज़िट करिए। मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर शारदा पर विज़िट करिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9881255055 पर ज़रूर व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फ्रेंड्स।